नमाज को इसलिए वाजिब करार दिया कि ये तकब्बुर से बचाती है। नमाज झुकना सिखाती है, जो झुकना सीख जाता है वो तकब्बुर से बच जाता है। तवज्जो रहे मेरे साहब, एक एक जुमले में और वो भी मुख्तसर जुमले में पूरी इबादत की हिकमत और फलसफे को सिर्फ सैयदा समझा सकती है। बीबी ने फरमाया और अल्लाह ने रोजे को इखलास की खातिर फर्ज किया। तवज्जो है, रोजे को इखलास सिखाने के लिए फर्ज किया। भाई रोजे से कैसे इखलास पैदा होता है? तवज्जो चाहूंगा, रोजे से कैसे इखलास पैदा होता है? जाने के नामी तमाम इबादतें कुछ करने का नाम है। नमाज कयाम का, किरात का, रुकू का, सुजूद का नाम है। खुम्स व ज़कात राह खुदा में कुछ देने का नाम। हज, तवाफ, साई, तमाम इबादत का नाम। लेकिन रोजा कुछ करने का नाम नहीं है, कुछ ना करने का नाम है।